नमो नमः सर्वेषां सुस्वागतं करोति इति तव नवम कक्षायां नवीन कक्षायां अद्य सप्तम वर्गस्य संस्कृत साहित्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवतः संस्कृत पुस्तके प्रथमोऽध्यायः वंदना इति दत्ताः। अद्य अहम् एतस्मिन् वंदना शब्दार्थाः अश्लोक अश्लोकार्थ इति व्याख्या प्रतिपादित वंदः सर्वेषां ध्यानेन श्रृणुतः। जिस प्रकार हम लोग जान चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के दो अंग, और आज हम लोग संस्कृत साहित्य अध्ययन करने जा रहे हैं, तो संस्कृत साहित्य के दो अंग हैं, एक है लौकिक संस्कृत और दूसरा है वैदिक। लौकिक संस्कृत के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण में भी लिखे हैं और जो लौकिक संस्कृत के प्रत्यक्ष उदाहरण है। वैदिक संस्कृत में वेद वेदांग आदि जो है वह वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और आज हम लोग इस पाठ में वंदना पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों का जो नवीन पुस्तक है वह है देववाणी, देववाणी संस्कृत। आप लोगों को सप्तम वर्ग में इसी का अध्ययन करना है। और इस पाठ्य पुस्तक में प्रथम अध्याय जो आपका है वह वंदना। इस वंदना में दो श्लोक दिया गया है। प्रथम श्लोक है पावका नह सरस्वती वाजे भिर वाजी नीवती यज्ञम वस्तु धिया वसुः। इसके बाद द्वितीय श्लोक है ईशा वास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा वृद्धः कस्य स्विद धनम्। यह हमारा दो श्लोक है। हम लोग इस श्लोक के अध्ययन से पूर्व इस श्लोक में आने वाले जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जानेंगे। प्रथम शब्द आया है पावका, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाली। द्वितीय श्लोक द्वितीय शब्द है हमारा वाजे भी का अर्थ होता है अन्नों से या बलों से। धिया धिया शब्द का अर्थ संस्कृत में बुद्धि होता है। और वस्तु वस्तु शब्द का अर्थ कामना करना। और ईशा वास्यम अर्थात ईश्वर से युक्त या ईश्वर से आच्छादित। लेकिन यहाँ ईश्वर से आच्छादित कहना उपयुक्त नहीं होगा। जब हम श्लोक का अर्थ जानेंगे तो यहाँ ईश्वर से युक्त कह सकते हैं। इसके बाद भुंजिथा का अर्थ होता है भोग करना या उपभोग करना। कस्य स्विद का अर्थ होता है तुच्छ या किसी का। मां गृद्धः गृद्धः का अर्थ होता है लोभ, मां का अर्थ होता है मत करो। ये इस श्लोक में आने वाले कठिन शब्द हैं। और इस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार, तो इस प्रकार इसको पढ़ना है पावकानः सरस्वती बाजे भिर वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ये प्रथम श्लोक है। इसके बाद द्वितीय श्लोक एषा वास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा गृद्धः कस्य सिद्धनम्। ये दो श्लोक। अब हम लोग चलते हैं, यहां दिया गया है पावका नः सरस्वती। तो हम लोग पावक का अर्थ जान चुके हैं पवित्र करने वाली, और सरस्वती का अर्थ होता है वाणी। यहां जो दिया गया है वाणी, यहां सरस्वती लिखा गया इस
को हम लोग वाणी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में का प्रथम श्लोक है जिसमें वर्णित है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वहां तुलसीदास जी लिखे हैं कि वंदे वाणी विनायकौ, इसका अर्थ है कि वंदे वाणी सर्वप्रथम सरस्वती को प्रणाम है, तदोपरांत विनायकों का अर्थ है गणेश को। कई लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रथम प्रणाम सरस्वती को क्यों करते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का आरंभ करता है तो उसके गणेश को प्रणाम करता है। आप पहले वाणी को अर्थात सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं, क्या कारण है? तुलसीदास उत्तर देते हैं कि यदि पहले गणेश को प्रणाम करना है, यह ज्ञान भी मुझे देने वाली है, तो वह सरस्वती है, इसलिए सर्वप्रथम वंदे वाणी, उसके बाद है विनायक। और यहां वही सरस्वती का अर्थ में व्यक्त किया गया है वाणी, वाणी का अर्थ सरस्वती, और इसी शब्द को वर्णन मिलाया गया है वर्ग नवम और दशम में। तो यहां पावकान सरस्वती का अर्थ है कि हे सरस्वती या हे वाणी, और वाजे भीर का अर्थ होता है अन्नों से या बलों से। तो हे सरस्वती, हमारी जो वाणी हो यह सबको पवित्र करने वाली बने। वाजे भीर का अर्थ है अन्नों से या बलों से, लेकिन यहां हम लोग को यह जानना है कि पाप का न पवित्र करने वाली सरस्वती का अर्थ वाणी, वाणी जो है वह वाजे भीर, वह बलों से, अन्न से या बल से युक्त हो तो वह वाजे भीर जीनीवती और यज्ञम वस्तु, उसके बाद है कि हम अपनी बुद्धि से यज्ञम वस्तु धिया, वसु धिया का अर्थ होता है बुद्धि, यज्ञम वस्तु का अर्थ है यहां कि हम अपनी बुद्धि से धन संपन्न होकर, धन आदि से परिपूर्ण होकर यज्ञ को पूर्ण करने की कामना करें, या फिर इस संसार में जो हम जीवन यापन कर रहे हैं वह सुखपूर्वक पूर्ण हो, सुखपूर्वक यापित हो या व्यतीत हो। यह हमारा प्रथम श्लोक है। इसको एक साथ श्लोक का अर्थ इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, हे ईश्वर हमारी वाणी सबको पवित्र करने वाली बने, हम अन्न व बल से युक्त हों, हम अपनी बुद्धि से धन संपन्न होकर यज्ञ को पूर्ण करने की कामना करें। यह हमारा प्रथम श्लोक का अर्थ है। इसके बाद हमारा है द्वितीय श्लोक, इसमें है ईशावास्यमिदं सर्वम्, इस संसार में इस जगत में जो कुछ है सब ईश्वर से युक्त है। यत किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में इस जगत में जो कुछ भी है, जगत्याम जगत जो कुछ भी है, सर्वम ईशावास्यमिदं ईश्वर से युक्त है। इसके बाद है त्या तेन व्यक्तेन भुंजिथाः, तो यह मान करके तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ होता है छोड़कर या त्याग कर, भुंजिथाः, भुंजिथाः का अर्थ है भोग करो, इस प्रकार हम लोगों को भोग करना चाहिए। मां वृद्धा कस्यचित् कस्यश्चित् धनम्, कि किसी भी वस्तु को हम लोग व्यर्थ ना करें, क्योंकि समस्त वस्तु में ईश्वर का निवास है, और वस्तु का उपभोग करें। इसके अलावे कस्य स्वित धनम, मां वृद्धा का अर्थ है लोभ मत करो, मां वृद्धा कस्य स्वित धनम, किसी अन्य के धनों से। इसको एक साथ अर्थ के रूप में हम लोग देखें तो यह इस प्रकार है, संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील, वह चर हो या अचर हो, संसार में दो ही प्रकार के वस्तु हैं, एक जर दूसरा चेतन, जिसका यहां चर और अचर नाम दिया गया। चेतन जिसमें चेतना है, जर जिसमें चेतना नहीं है। यहां वह जो कुछ भी परिवर्तनशील चर या अचर है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है, सब में ईश्वर का निवास है। अतः त्याग पूर्वक ही वस्तुओं का उपभोग करो,
व्यर्थ किसी भी वस्तु को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वह अन्न हो या जो कुछ भी वस्तु हो उसको कभी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी अन्य से धन का लोभ मत करो, किसी अन्य से धन का लोभ नहीं करना चाहिए। यह हमारा दोनों श्लोक है और इस प्रकार अर्थ है। यह प्रथम अध्याय में बस हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, फिर हम लोग चलते हैं और अगले अध्याय में हम लोग नवीन पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम लोग इतने ही पढ़ रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप में। धन्यवाद।